देख रहे हैं कि यहाँ पे बालू के इतना खनन हुआ है कि यहाँ पे भैंस डूब जा रहे हैं। आप देखिए कि इतना भी तो अलाउ नहीं होगा कि इतना भी गहरा नहीं करें, बालू नहीं उठावे। तो देख रहे हैं कि भैंस यहाँ पे डूब जा रहा है। थोड़ा उधर दिखाए कि कितना कितना गहराई तक यहाँ पे खोदा गया है कि भैंस इसमें। तब से 7 बजे से बालू बंद करने के लिए बंद है हम लोग। अब देखिए कि यहाँ पे फारी डलमोट से आखिर क्या भूख इसे जाएगा, क्या चंदा करके बांट गया है, हम लोग बांट रहे हैं चंदा करके। देखिए वहाँ टेंट भी लगा हुआ है। अच्छा मैं उसको भी दिखाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बालू रोकाव के लिए सुबह से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे तपती धूप में बैठे हुए हैं। अब यहाँ प्रशासन बोलता है कितना देरी तक बैठेगा, बोलता है प्रशासन हम लोग जब तक रहे बालू बंद नहीं हो जाए तब तक नहीं हम लोग उठ जाएंगे। बालू बंद हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे, ठीक है। पॉपुलर से बालू नहीं उठना चाहिए और यहाँ से बालू बाहर में नहीं जाना चाहिए। जब तक उठेगा नहीं जब तक हम लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। और प्रशासन को बोल दीजिए कि पॉपुलर जितना जल्दी हटा दें यहाँ से। तो देखिए ये सोचने वाली बात है। दादी डोजर मड़ाई को वरना चाहिए यहीं से। डोजर हटाना है, मड़ाई को वरना है। हाँ। यानी बालू जो उठा रहे उनको। हाँ। देखिए ये दादी का कितना दिन का समय है, लेकिन फिर भी इनको चिंतित है कि अगर इस तरह से बालू उठेगा तो मेरा पानी का लेयर घटेगा और मेरा जो लोग हैं वो प्यासे मर जाएंगे। तो चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चूड़ा डलमोट का अभी वितरण किया जा रहा है। लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं और लोगों से आपको मिलाते हैं। उन लोगों कहाँ डूबल था। तो देखिए यहाँ पे एंकर लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि आखिर वो क्या समस्या है। मैं इनको से भी कुछ बात करता हूँ। एंकर से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं तो इसी पे अपना देख रहे हैं कि छोटे छोटे सब बच्चे लोग हैं, यही सब के भविष्य के लिए बात किया जा रहा है। अगर अभी हमारे अंकल भैया लोग अगर बात नहीं करें तो ये सब जो छोटकन है ना, छोटकन के भविष्य बिगड़ जाएगा। अरे अंकल लोग अभी कितना हमारे लेके 4-5 साल जिएंगे तो उनको अभी पूर्ति हो जाएगा, लेकिन ये सबका जिंदगी